क्योंकि भगवान के पास अगर नंबर है तो डॉक्टर्स का ही है। तो कुछ लोगों ने हमें बाहर निकालने की कोशिश करी, पर मैं यहाँ बैठ के ना देख रही थी कि हमारे बीच में है। आप बाल्यकाल से ही परमात्म मिलन को जो तैयार है वो अपने फील्ड में आगे मेरे से ले ले। मेरे साथ 150 कंपनियां जुड़ी हुई हैं, वहाँ हमेशा वैकेंसी तैयार रहती है, वो अपने जॉब ले। बुधवार को सीकर रोड पर सनसिटी के समीप बड़पीपली बस स्टैंड स्थित शर्मा कॉम्प्लेक्स में दिशा क्लासेज एवं सेवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का शुभारंभ वुमेन विंग कोऑर्डिनेटर राजयोगिनी बीके लक्ष्मी ने फीता काट कर किया। शुभारंभ कार्यक्रम में राजयोगिनी बीके लक्ष्मी ने सत्यता एवं सरलता के महत्व के बारे में प्रकाश डाला। इस अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में सेवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर नरेंद्र कुमार सेवानी ने कहा कि रुपये कमाना नहीं, रुपये को किस प्रकार से खर्च किया जाता है, यह एक कला है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के स्थानीय सेवा केंद्र की संचालिका ब्रह्म कुमारी सुनेहा व कल्पना दीदी रही। ब्रह्म कुमारी सुनेहा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मानवीय जीवन में प्रबंधन व राजयोग मेडिटेशन के महत्व के बारे में बताया। वहीं कल्पना दीदी ने सेवानी परिवार को आशीर्वाद देते हुए दिशा क्लासेज एवं सेवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के शुभारम्भ के लिए शुभकामनाएँ एवं बधाई दी। इस अवसर पर रिको के डायरेक्टर एवं कांग्रेस नेता सीताराम अग्रवाल एवं पूर्व नगर परिषद सदस्य सुशील कुमार अग्रवाल भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन राहुल शर्मा व सीमा ने किया। कार्यक्रम के अंत में सेवानी ग्रुप ऑफ कंपनी के डायरेक्टर नरेंद्र कुमार सेवानी ने आगंतुक अतिथियों का आभार व्यक्त किया। धन की देवी की तो हर कोई पूजा करता है, लेकिन आज हमारे बीच में ज्ञान धन की देवी लक्ष्मी दीदी हमारे बीच में हैं। आप बाल्यकाल से ही परमात्मा मिलन विशेष तौर पर ये कहें कि बहुत खुश भी है, हम सबको खुशी भी है क्योंकि हम एक नई चीज स्टार्ट कर रहे हैं, नया कार्य स्टार्ट कर रहे हैं। और हमारे मीडिया वाले जो भाई हैं उनका तो सबसे बड़ा काम, सबसे ज्यादा काम होता है कि कोई भी बात को आगे तक पहुंचाना, कोई भी अच्छी चीज को हम आगे तक कन्वे करना और उसको किस रूप से आप बताते हैं, या आपकी कला कहें, आपका एक गुण कहें, मीडिया का तो विशेष ये कि जब अभी हम लास्ट 3-4 दिन पहले आए थे, क्योंकि एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, सब बच्चे बैठे हुए थे यहाँ पे, सो कुछ इस तरह के बच्चे जो हमारे बच्चों के साथ सेटल नहीं हो सकते हैं वो बच्चे भी आ गए। तो कुछ लोगों ने हमें बाहर निकालने की कोशिश करी, पर मैं यहाँ बैठ के ना देख रही थी कि सर ने ना उनको फ्रंट पे जगह दी। सो ये होता है मन उन बच्चों को जिनके साथ। जयपुर जोन की संचालिका बीके राजयोगिनी सुषमा दीदी ने इनोग्रेशन किया था। वहाँ से मैंने 2001 से मेडिकल का काम शुरू किया था। चौमू हेड ऑफिस सेवानी डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम से मैंने मेडिकल के ग्रुप में सबसे पहले जनरिक दवाइयों में कदम रखा था। उसी मेडिकल स्टोर को फिर फार्मा दवाइयों की जरूरत थी तो मैंने फार्मा में कदम रखा। उसी मेडिकल स्टोर को फिर आयुर्वेदिक की जरूरत थी, मैंने आयुर्वेदिक भी शुरू किया। उसी मेडिकल स्टोर पर सर्जिकल मेडिसिन की जरूरत थी, मैंने सर्जिकल भी शुरू किया। उन्हीं मेडिकल स्टोरों को वेटनरी की मेडिसिन की जरूरत थी तो मैंने वेटनरी भी शुरू किया। तो मैं ऑल काइंड ऑफ मेडिसिन के डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर और चौमू के आसपास में सप्लाई करता था। उसके बाद उसी मेडिकल स्टोर पर FMCG आइटम्स भी रखे हुए होते हैं, ऑल ऑफ ऑयल, क्रीम्स, पाउडर, जो भी ब्रांडेड कंपनियों के होते हैं, हमने उनका भी काम शुरू किया। और एक मेडिकल की हमने एक छत के नीचे से 99 नहीं बल्कि 100% पूर्ति करने का वायदा देकर काम शुरू किया। काम हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से इसलिए हो पाया कि शुरू से हमारे ऊपर ब्रह्मा कुमारी से जुड़े होने के कारण बाबा का सिखाया हुआ पूरा ज्ञान था, जो सच्चाई और ईमानदारी के साथ साथ बहुत सी अच्छाई के साथ जुड़ा हुआ था। तो हमने बहुत ऊंचाइयाँ ली और उस काम को हमने अच्छे से, बहुत अच्छे से किया। छोटे दुकानदार, छोटे नहीं बोलना चाहूँगा, दुकानदार तो सब बड़े होते हैं, लेकिन जो यूज वेराइटी मंगाते हैं वो मैं नहीं बेच पाता हूँ। जो व्यापारी, जो स्टॉकिस्ट
उन लोगों को सप्लाई करते हैं, उनको मैं सिर्फ पेड कार्टून सप्लाई कर पाता हूँ। तो मेरा मेडिकल का और एफएमसीजी का बल्क का काम स्टार्ट हो गया है, सब बाबा का आशीर्वाद है। मैंने चोमू से रियल इस्टेट का काम देखना शुरू कर दिया था। सन सिटी आने के बाद में मुझे यहाँ सन सिटी में बहुत अच्छा डेवलपमेंट मिला, तो मैंने वही बाबा के आशीर्वाद से रियल इस्टेट में कदम और ज़्यादा बढ़ाया, तो मुझे रियल इस्टेट में भी अच्छा रेस्पॉन्स मिला। रियल इस्टेट में मैं फ्लैट्स भी, विलास भी, एग्रीकल्चर लैंड भी, फार्म हाउस भी, मैं देखता हूँ कि ठीक है कोई बात नहीं। नाम है सेवानी, तो शुरू से लक्ष्य था नरेंद्र कुमार सेवानी, सेवानी यानी सेवा करने वाला, यही मेरा लक्ष्य है। और मैं सेवा के रूप में कि अगर किसी को, अगर वो चाह रहा है कि नहीं मुझे रेंटेड प्रॉपर्टी भी चाहिए, तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि नहीं मुझे तो सेल परचेज ही करनी। मैंने रेंट का भी काम शुरू कर दिया कि आप चाहो तो रेंट पे भी ले सकते हो। तो ऐसे करके मैंने रियल इस्टेट को भी बहुत बड़ा बढ़ावा दिया। उसके बाद में मेरे पास इवेंट संबंधित जितने भी काम होते हैं, वो मेडिकल स्टोर की पार्टीज होती रहती हैं, तो जितने भी बड़ी कंपनीज वाले होते हैं, मेरे पास सारी कंपनियां डायरेक्ट होने के कारण पूरा प्रोग्राम मुझे ही मैनेज करने के लिए देते थे कि नरेंद्र भैया आप यहाँ के रहने वाले हो, लोकल हो, एक बार आप ही सेट कर देना। जब एक दो प्रोग्राम उनको अच्छे लगे तो सारे प्रोग्राम देने लगे। तो सभी जितने भी भाई हैं इवेंट्स से संबंधित, वो मुझे बस केवल बोलना पड़ता था और उनका काम हो जाता था। तो इवेंट का काम भी मेरे यहीं से होना शुरू हो गया। ऐसे मैं गिनाना चाहूँगा तो बहुत सारे काम हो जाएंगे। मैं चाह रहा हूँ कि बहुत सारी सर्विस प्रोवाइडिंग मैंने यहाँ से शुरू कर दी है। तो ये ऑफिस आज जो ग्रैंड ओपनिंग हुई, ये आप सब लोगों के आशीर्वाद, आपके प्रेम और उन सबसे, आप देख रहे हैं कि आज आप यहाँ पे सब लोग आए हैं, तो जरूर मेरा कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रेम है और आपका एक अच्छा मेरा प्रेम है। ये प्रेम मेरा यहाँ आपको लेके आया है, तो मैं आप सबका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। इस ऑफिस में हमने अभी 21 तारीख को दिशा क्लासेस की ग्रांड ओपनिंग की थी, उसमें भी बहुत बड़ा सहयोग हमें सभी का मिला हुआ है। मेरी युगल धर्मपत्नी श्रीमती दिशा सेवानी, जो कि पिछले 5 वर्षों से घर पर ही कोचिंग, घर पर ही ट्यूशन क्लासेस दे रही हैं, जिसमें सन सिटी के अच्छे अच्छे घरों से बच्चे आ रहे हैं, वो उनको बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। उनके पास बच्चे ज़्यादा आने लगे, उनके पास और ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने के लिए कोर्स आने लगे, तो घर पे जगह छोटी पड़ रही थी, तो हमने दिशा क्लासेस के नाम से यहाँ पे ग्रैंड ओपनिंग करी, जिसमें हमने 1st to 8th क्लास को पढ़ाना शुरू किया। उसके अलावा आप देखोगे जो ये 8 कोर्सेज पीछे लिखे हुए हैं, ये कोर्सेज आपको किसी ट्यूशन क्लासेस में कहीं नहीं मिलेंगे। ये सब बिल्कुल अलग रख के ट्यूशन, एक समर कैंप के रूप में बोलो, या बच्चे भी फ्री हैं, वो बच्चे बिल्कुल भी पढ़ने के मूड में नहीं है। एक महीना दीदी जो अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया और ये काम शुरू हुआ आज से। तो मैंने ये ऑफिस भी आज से ये शुरू कर दिया है, जिसमें मेडिकल और एफएमसीजी का बल्क का काम स्टार्ट है दुकानदारों के लिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आम जनता को भी उन बल्क जो मैं जिनको देता हूँ उनके थ्रू कम से कम पैसे में उनको भी आसपास के दुकानदारों, होलसेल दुकानदारों से घर बैठे या उनके आसपास के लगे हुए दुकानदार से सामान मिल सके, जिससे वो अच्छा फायदा कर ले।